नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता मीना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बन से बनने वाली एक बहुत अच्छी सी पुडिंग। ये दो बन लिए हैं मैंने, वही जो हम लोग खाते हैं बन, वही वाले बन रही हैं, देखिए मीठे वाले। और इसकी जो स्किन है ये मैं ऊपर से निकाल दूंगी। और साथ ही उस दिन, अभी दो चार दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने पुडिंग का, डाला था कैरमल मिल्क पुडिंग का, तो उसमें से हमने आधा खा लिया था और ये आधी बची हुई है। तो ये देखिए फ्रिज में रखी हुई थी, टाइट हो रखी बिल्कुल आइसक्रीम के जैसी। तो मैं इसी के साथ इन दोनों को मिलाकर एक पुडिंग तैयार कर रही हूँ, केक की तरह बनेगा ये, बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी बनता है, मैंने पहले भी बना रखा है। और साथ में 1/4 कप के करीब मैंने चीनी ले ली है। तो सबसे पहले मैं चीनी का कैरमल तैयार करने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल वैसे ही कैरमल तैयार हो गया ना जैसे उस दिन बनाया था मैंने। अब मैं इसकी आँच बंद कर रही हूँ और अभी मैं इसको इसमें मलाई डालती हूँ। 1 चम्मच मैं लाके दिखाती हूँ आप। ये देखिए कैरेमल में मैंने 1 चम्मच भर के मलाई डाल दी थी और थोड़ा सा ये दूध है, दूध डाल दी हूँ, लगभग 1/2 कप के करीब है दूध। अब इसका कैरेमल तैयार करती हूँ और वो जो मेरा पुडिंग था उसको मैं एक बार मिक्सी में पीस कर फिर इसके साथ में इसको पकाऊंगी, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ अभी। ये देखिए बड़ा फटाफटा सा हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा ढंग से पक नहीं पाया, मैं आँच बंद करनी पड़ गई थी ना मुझे, तो कोई बात नहीं। अब मैं ये जो मैंने पुडिंग, जो ये मेरी पुडिंग थी उसको मैंने पीस लिया था, अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके संग इसको पका रही हूँ। अब ये जो कैरमल है ये इसके साथ जब पकेगा ना तो इसका जो टेक्सचर है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं इसके साथ पकाती हूँ, फिर जब ये पक के इकसार हो जाएगा तब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये पक रहा है, अब मैं चाहती हूँ कि ये गाढ़ा वैसे ही हो जैसे पहले गाढ़ा हुआ था ये पुडिंग के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 1/2 कप के करीब दूध लिया है और मैंने उसमें 2 चम्मच अरारोट पाउडर मिला लिया जो कि मैं इसमें ही मिक्स कर रही हूँ। अब ये सब चीजें साथ में पकेंगी और अरारोट डालने की वजह से दोबारा फिर से वैसे ही पहले की तरह गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आप अरारोट नहीं डालना चाहते तो आप कस्टर्ड डाल सकते हैं इसमें। मैं तो कस्टर्ड लिया पर मैं कस्टर्ड नहीं डाल दी, मैंने अरारोट पाउडर ही डाल दिया। अभी इसको पकने के लिए छोड़ती हूँ, थोड़ी देर में पक जाएगा। मैं 2 चम्मच इसमें जो मैंने बॉर्नविटा सोया सॉस बनाया था मैं 2 चम्मच में वो डाल रही हूँ ताकि इसमें चॉकलेट वाला फ्लेवर रहे। फिर शुरू हो गया ये, अब मैं इसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा बॉर्नविटा सॉस। इसके वजह से इसमें जो टेस्ट रहेगा वो चॉकलेट वाला रहेगा, ये बहुत बढ़िया लगेगा। 3 चम्मच डाल दिए मैंने, बस बहुत है 3 चम्मच। अब इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, चलाना पड़ेगा लगातार क्योंकि इसमें अरारोट डाला हुआ है तो अरारोट की वजह से नीचे लग भी जाता है। फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ 2 मिनट बाद। मैंने पुडिंग बना के उतार ली थी और ये अभी रखी रखी खुद गाढ़ी हो जाएगी, बहुत गाढ़ी हो जाएगी। और थोड़ी सी मैंने बाटी में छोड़ दी है, ये कितनी छोड़ी है, कम से कम 1/2 कप के करीब मैंने इसमें छोड़ दिया है। और ये मैंने गिलास में पानी लिया है 1/2 गिलास और मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके साथ इसे पका रही हूँ, तो ये चाशनी की तरह पक के तैयार हो जाएगा। वो इसलिए कर रही हूँ मैं कि ये जो मैंने बन लिए थे ये वाले, ये देखिए मैंने एक एक बन के 2-2 पीस कर लिए ऐसे करके, 2-2 पीस कर लिए दोनों बन के। ये बन के पीसों को चाशनी में मुझे डुबाना है ताकि ये सूखा ना रहे, इसलिए तो मैं थोड़ा सा इसे पका के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दो बंद थे मैंने, उसके 4 पीस करे और मैंने इस तरह से पूरे परात में फैला के रख दिए। मैं परात ही रखूंगी, वो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये मैंने जो थोड़ी आधी पुडिंग बचाई थी उसमें पानी गिरा था मैंने 1/2 गिलास, ये पका के ले आई हूँ। ये देखिए ये भी गाढ़ा ही है। अब मैं इसको पूरा इसके ऊपर डाल रही हूँ फैला के। इससे क्या होगा कि जब मैं इसके ऊपर पुडिंग डालूंगी ना तो ये सूखे सूखे पीस नहीं रहेंगे, ये पूरे तर रहेंगे उसमें। देखिए इसको डाल के मैंने इसमें फैला दिया है, इससे जो जो बन के पीस है ना वो मुलायम रहेंगे, एकदम रसीले। इस तरह से पूरा फैला के अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से चक्कू से कर देती हूँ ताकि इसमें पूरा की पुडिंग तैयार है। अब मैं ये इसके ऊपर पूरा डाल रही हूँ
पुडिंग मैंने पूरा डाल दिया है। अभी थोड़ी पुडिंग गर्म है तो ये ठंडी भी होगी, ठंडी होने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और 3-4 घंटे तक मैं इसे फ्रिज में ही रहने दूंगी। फ्रिज में ये सेट हो जाएगी और फिर हम इसको निकालेंगे और फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। और का बिस्किट था और मैंने उसको थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरह से हाथ से तोड़ लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ये जो कैरेमल है चॉकलेट वाला कैरेमल है ना, इसलिए मैं इसके ऊपर सजाने के लिए भी यही डाल रही हूँ। अभी गरम गरम में ये बहुत आराम से डल रहा है और शाम तक जब तक हम लोग इसे खाएंगे ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, बाय। तो ये देखिए तैयार है, खूब बढ़िया मेरा बन के तैयार हुआ है और बहुत अच्छा सेट हुआ है। ये देखिए जैसे जेली सेट होती है, मैं इसका पीस काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए